नमस्कार जी, मेरा नाम विपुल कुमार वैश्य है। मैं असम गुवाहाटी नलबारी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरे बचपन मतलब 15 साल उम्र से मेरे वही बीमारी थी, ये जो पाइल्स हुआ था, वही पाइल्स मैंने तकरीबन 4 बार मैंने ऑपरेशन किया चुका है सिविल में। एक तो किया गुवाहाटी ईस्टर्न नर्सिंग होम में, तब मेरे खून आया था। 2-3 साल मेरे काफ़ी आराम मिला था, इसके बाद दोबारा शुरू हुआ। उस जगह पे डॉक्टर देवी गोस्वामी देवे मेरे ऑपरेशन किया था, इसके बाद दोबारा मेरा शुरू हुआ। इस बीमारी से मैं काफ़ी दिन परेशान हुआ, परेशान होते हुए फिर मैं चेन्नई अपोलो में चला गया। चेन्नई अपोलो में भी मैंने ऑपरेशन हुआ था 3-4 साल बाद, वहाँ पे भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ है। ऑपरेशन करके भेज दिया, फिर दवाई तो लगाया, एक दो साल ठीक रहा, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ। फिर मैंने गया दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे को किसी ने बताया था उसमें इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में जाके मैं दीपक गाविल नामी डॉक्टर दीपक गोयल उसने मेरे को इंजेक्शन लगाया था उस जगह पे। तो इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा इंस्पेक्शन होगा 1 महीना के बाद वो जगह पक गया। पकने के बाद मैं फिर दोबारा उसी के पास चला गया, डॉक्टर साहब के पास चला गया। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बताया। तुरंत मैंने दिल्ली अपोलो में भी ऑपरेशन कराया। तकरीबन 2 महीना रुका है दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। तो जुकाम भर नहीं रहा था, फिर भी मुश्किल से मेरा जुकाम भर गया, और अंदर की जो जुकाम था ना बहुत टाइट हो गया। लेटरिन करने में बहुत परेशानी आती है। तो काफ़ी दिन से कम 12-13 साल से मैं इसी बीमारी में बहुत परेशानी था। फिर मेरे ठीक नहीं हुआ, दिल्ली में भी मेरे सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद मेरे को किसी ने बताया है, हैदराबाद में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर मुकुंद राव। मैं उसी के पास चला गया, मेरे को बताया था वो मतलब आयुर्वेदिक ऑपरेशन करते हैं। हैदराबाद में मैंने चला गया, हैदराबाद में भी मैं ऑपरेशन किया था, वहाँ पे भी मैं 2 महीना रुका। रुकने के बाद उसी डॉक्टर ने मेरे को बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, एक एक करके 4 बार ऑपरेशन किया था 2 महीने के अंदर, 4 बार ऑपरेशन एक साथ। तो फिर भी मैं उसी डॉक्टर की सलाह लेके ऑपरेशन करके फिर भी मेरे सही नहीं हुआ है। काफ़ी दिन से रहा है, 6 साल 6 महीना तक मेरे सही रहा है, इसके बाद दोबारा मेरे स्टार्ट हुआ है। तो मैं इसी बीमारी में इतना परेशानी आई है, कभी कभी मेरे को मरने के लिए दिल कर रहा है, जैसे मैं जहर खा के मर जाऊँ, इतना मेरे परेशानी आया था। अंदर अंदर बहुत हार्ड हो गया है, लेटरिन करने में प्रॉब्लम, तकलीफ, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, मवाद निकल रहा है थोड़ा बहुत, और लेटरिन करते टाइम बहुत, जब हार्ड लेटरिन आती है तब मेरे को बहुत परेशानी आती है, और जलन होता है बुरी तरह, मैं रुक नहीं सकता। कम से कम 2 घंटा तक मैं बिस्तर में लेते रहना पड़ते हैं। इसके बाद धीरे धीरे मैं चलना शुरू करता। फिर बहुत डॉक्टर साहब को मैंने बहुत देखा था, इसी बीमारी में खुद को शर्म भी लगते है बताने के लिए, दूसरा को चीज़ें ऐसे चीज़ें बताने के लिए भी शर्म लगती है, और जनता मजाक समझती है इस चीज़ के लिए। लेकिन परेशानी मेरी है, जिसकी बाल खींचने से पता लगते हैं कितना दर्द होती है। तो इसमें मेरे को बहुत परेशानी आया। फिर बाद में मैं थक्का खा खा के 4 बार मैंने ऑपरेशन करा दिया। थक्का खा खा के एक आदमी ने, यही राणा हॉस्पिटल में मेरे जानकारी है, उसने मेरे को बताया, बोला आप वहाँ चला जाओ, पंजाब सिरन राणा हॉस्पिटल में आप चला जाओ, वहाँ पे डॉक्टर साहब हितेंद्र सूरी, वो बहुत बड़ा डॉक्टर साहब है, उसी को एक बार दिखा लो आप, वो बता देगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद में 2017 दिसंबर में मैं ये डॉक्टर हितेंद्र साहब को मैंने देखाया था, और साहब ने देख के मेरे को डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए बताया था। और उस टाइम मेरे को मतलब रुकने के लिए टाइम नहीं हुआ था, मैं साहब को बता के गया, साहब मैं 1-2 महीना बाद आके मैं ऑपरेशन करा लूँगा। तो मैं बहुत पैसा वैसा बहुत खर्चा कर दिया, लास्ट में मैं शगुन खा के शपथ खा के आया है, इस बार मैं ऑपरेशन करूँगा, नहीं तो मैं बासूंगा नहीं तो मरूँगा, ये दोनों में से एक होगा।
तो मैं इधर आके मैं सांप को देखाया ये 26 फरवरी को मैं आया और 27 फरवरी को मेरे ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर साहब ने देख के बताया मेरा लैट्रिन की रास्ता बहुत टाइट हो गया है, इसको काट के ऐसे कैसे किया सांप को पता है, या बताया था लेजर ऑपरेशन, दूरबीन से लेजर ऑपरेशन करके मेरे पूरा काट कूद कर निकाल दिया। काटने के बाद थोड़ी से मेरा परेशानी रहा था, यहाँ पे मैं यहाँ अगल बगल में एक रूम लेके यहाँ ऑपरेशन करके मैं बगल में एक रूम लेके किराए पे रहा और यहाँ राणा हॉस्पिटल में मेरे को ड्रेसिंग चला सुबह शाम दोनों टाइम। यहाँ का स्टाफ इतना बढ़िया है, डॉक्टर साहब इतना बढ़िया है, मेरे लिए डॉक्टर साहब एक्चुअली इंसान नहीं है, मेरे लिए भगवान है। जो डॉक्टर हितेंद्र साहब है ना, अभी मैं आपको सबके सामने में बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरे लिए एक भगवान है, क्योंकि मेरे को एक जीवन दान दिया, ये डॉक्टर साहब ने मेरे को एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए मैंने इंसान नहीं मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर साहब को मेरे लिए मैं भगवान सोच रहा हूँ, मेरे लिए भगवान है। तो आप लोग मैं सभी को मैं उम्मीद करता हूँ इस हॉस्पिटल में आके मेरे को बिल्कुल अभी मैं सही हो गया है, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इतना जैसे परेशानी था मेरे उस परेशानी से मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरे हिसाब से अभी मेरे को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरा है यहाँ का जो स्टाफ है ना, इतना इनकी मतलब बातचीत, इनकी व्यवहार इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, मतलब ऐसी डॉक्टर ऐसी हॉस्पिटल, मैं काफ़ी हॉस्पिटल काफ़ी दूर दिल्ली बॉम्बे मद्रास तक मैं घूम के आया है, तो मैं ऐसे हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब मेरे को नहीं मिला। दूसरा बात, यहाँ का जो एक नर्सिंग असिस्टेंट सर मनु सर है, नाम मनु है, ये मनु सर ने मेरे को ड्रेसिंग कर करके इतना सुंदर से ड्रेसिंग करके मेरा बीमारी ठीक कर दिया, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापन किया हूँ, धन्यवाद। आप लोग आओ यहाँ इलाज करो, ये डॉक्टर साहब एक्चुअली इंसान नहीं है, मेरे हिसाब से भगवान है, आप लोग आओ इलाज करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। नमस्कार।